असलामुअलैकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम डॉक्टर मिली है, मैं सीनियर लेक्चरर हूँ इन बायोकेमिस्ट्री। मेरे ख्याल में कुछ स्टूडेंट्स से तो हो चुका है तारुफ ऑनलाइन लेक्चर्स में। कम है लोग? अच्छा, और कैसा दिन रहा आपका? नहीं, अच्छा लगा था। बायोकेमिस्ट्री, देखें, बायो इट कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, बायो एंड केमिस्ट्री। बायो मीन्स लाइफ एंड केमिस्ट्री मीन्स केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन द बॉडी। ठीक है, अब ये डिफरेंट क्यों है बाकी सब्जेक्ट से? इसलिए कि हमने इसमें केमिकल प्रोसेसेस, नॉर्मल केमिकल प्रोसेसेस पढ़ने हैं एट मॉलिक्यूलर लेवल। ठीक है, सेल्स पे जाके हमने पढ़ने हैं कि सेल्स लेवल पे क्या रिएक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, डेफिनेशन, इट इज अ स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेसेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एट सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर लेवल, और इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर फंक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में हर तरह का मॉलिक्यूल आ जाता है बॉडी में, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा मेरे ख्याल में, एसएससी में। व्हाट आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स? ठीक है, ठीक है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं? जिसमें कार्बन स्केलेटल इन्वॉल्व ना हो या कार्बन एटम ना हो। ठीक है, इट इज अ स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर फंक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ बायोमोलिक्यूल्स एंड रिएक्शंस ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल, प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड, विटामिंस। ये क्या है? प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, आर दे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक, वेरी गुड। एनी वन एग्जाम्पल्स ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स? यस, वेरी गुड। सॉल्ट्स, एसिड्स एंड बेसिस, वेरी गुड। ठीक है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। एम ऑफ द बायोकेमिस्ट्री इज टू डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द केमिकल प्रोसेसेस ऑफ लिविंग सेल्स इन मॉलिक्यूलर टर्म और एट मॉलिक्यूलर लेवल। एज अ स्टूडेंट आपने इसी तरह स्टडी स्टार्ट करनी है, कोई भी सब्जेक्ट हो। मैं बायोकेमिस्ट्री को फोकस करूंगी। ठीक है, आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था, आपने नॉमेनक्लेचर्स, मेडिकल डिक्शनरी के नेम्स जो हैं, कोई भी आपने टॉपिक शुरू करना है उसका सबसे पहले उस पर फोकस करना है। ठीक है, सेकेंड, आपने कोई भी आपको टॉपिक आपने रीड करना शुरू किया उसको प्रॉपरली रीड करें आप। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझें। थर्ड स्टेप क्या है? उसके शॉर्ट नोट्स बनाएं खुद। अक्सर होता है हमें जो डायग्राम्स होती हैं या फ्लो चार्ट्स कह लें, बायोकेमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। ठीक है, ग्राफ्स यूज होते हैं तो हम उन पर कम फोकस करते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है। मतलब आप एक ग्राफ लेंगे तो उसमें पूरा एक टॉपिक डिस्क्राइब हुआ होता है, तो आपने वो चीज़ समझ के, कॉन्सेप्ट को समझ के आगे चलना है। ठीक है, अब बायोकेमिस्ट्री जो है इसका लिंक है सब सब्जेक्ट्स के साथ। आप सब मेडिकल सब्जेक्ट जो है, फिजियोलॉजी ले लें, आप मेडिसिन फर्दर आप पढ़ेंगे फोर्थ ईयर और फाइनल ईयर में। ठीक है, अगर तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो ये आपको हेल्प करेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडीज में भी, ड्यूरिंग हाउस जॉब, ठीक है, और प्रोफेशनल लेवल पे। फॉर एग्जांपल, आप फिजिशियन हैं और पेशेंट आया है, वो आपको किस तरह प्रेजेंट करेगा? सिम्टम्स के साथ। ठीक है, आप सिम्टम्स पे प्रिडिक्ट करेंगे कि आपने फर्दर कैसे चलना है। अगर तो आपका एनाटमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, मतलब नॉर्मल चीज़ें जो है, नॉर्मल एनाटमी आपको पता है, नॉर्मल फिजियोलॉजी पता है आपको, नॉर्मल बायोकेमिस्ट्री पता है कि क्या सेल लेवल पे क्या प्रोसेस हो रहा है, क्या रिएक्शंस हो रहे हैं, तो तभी आप उनको फर्दर लेके चल सकते हो कि आपने क्या इन्वेस्टिगेशन आगे करवानी है सिम्टम्स को लेके। ठीक है, साइंस जो आप देखते हैं पेशेंट में। ठीक है, सिम्टम्स, साइंस फर्स्ट स्टेप आ गया। सेकेंड, अगर आपकी बेसिक स्ट्रांग है तो फिर ही आप आगे उन्हें इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, लैब इन्वेस्टिगेशन देंगे। वो क्या होता है? वो बायोकेमिकल लेवल पे ही आ जाता है। ठीक है, थर्ड, फिर आप फर्दर उन इन्वेस्टिगेशन पे आप डायग्नोसिस करोगे और फर्दर थेरेपीज दोगे, ट्रीटमेंट थेरेपीज जो है। ठीक है,
So it is related with physiology. Health depends on the balance of biochemical reactions occurring in the body. For example, अगर तो ग्लूकोज लेवल, फॉर एग्जाम्पल हम मैयर कर रहे हैं ग्लूकोज लेवल इन एनी बॉडी, इफ इट इज नॉर्मल लेवल देन वी कॉन्सिडर इट एज अ हेल्दी इंडिविजुअल. और अगर ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो गया, इज इट नॉर्मल और एबनॉर्मल, ठीक है, तो ये डिजीज कंडीशन की तरफ लेके जाएगा, फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज. ठीक है, ऐसे आपने लेके लिंक अप करना है सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है. पैथोलॉजी के साथ भी इस तरह रिलेशन है. फिजिशियन कैन गेट क्लू ऑन बायोकेमिकल चेंज. नॉर्मल पता है, अगर एबनॉर्मल बायोकेमिकल चेंज हुआ है तो ही बॉडी में चेंजेस आई हैं. और वो चेंजेस आपने किस तरह मेजर करनी है, लैब इन्वेस्टिगेशन से. मेडिसिन, मैं आपको डिटेल में बता चुकी हूँ, एनी डिजीज रिफ्लेक्ट्स एबनॉर्मेलिटीज इन द बायोमोलिक्यूल्स एंड बायोकेमिकल प्रोसेसेस एंड रिएक्शन. सो बायोकेमिस्ट्री हेल्प्स इन इल्यूमिनेटिंग द कॉजेज ऑफ द डिजीज. जब आपको एबनॉर्मेलिटी जो है पता होगी कि किस लेवल पे है, तभी आपको पता चलेगा ना कॉज क्या है. जब कॉज पता चलेगा तो आप उसको ट्रीट कर सकोगे. और कंफर्मेशन किससे हो रही है, लैब इन्वेस्टिगेशन से. इसीलिए आपको बेसिक स्टडीज जो है बहुत अच्छी तरह आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़नी है, ताकि आप कॉजेज को रूल आउट कर सको और फर्दर उसकी लैब इन्वेस्टिगेशन करवा सको और ट्रीटमेंट कर सको. यूज ऑफ वेरियस बायोकेमिकल लेबोरेटरी टेस्ट इज एन इंटेग्रल कॉम्पोनेंट ऑफ डायग्नोसिस एंड मॉनिटरिंग ऑफ ट्रीटमेंट. फॉर एग्जाम्पल कौन से बायोकेमिकल, एनी वन और टू प्लीज, कोई लैब इन्वेस्टिगेशन बताएं. और अगर पेशेंट एडमिटेड है, ठीक है, उसमें एसिड बेस्ड डिस्टर्बेंस है, आपने कुछ लोगों ने तो ऑनलाइन लेक्चर्स लिए होंगे, तो उसमें हम क्या करवाते हैं, एबीजीज. नहीं पता ये, चले फर्दर हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे. तो बायोकेमिकल लेबोरेटरी टेस्ट में काफी फंक्शन आ जाते हैं, जिसमें हम लिवर फंक्शन टेस्ट करवाते हैं, रिनल फंक्शन टेस्ट करवाते हैं, थायराइड फंक्शन टेस्ट आ जाते हैं. तो काफी इन्वेस्टिगेशन है. हार्मोनल लेवल पे लाके हम हार्मोन्स मेजर करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन एंड द कॉज ऑफ द डिजीज. ये देखें, ये भी रिलेशन ही बताया हुआ है बायोकेमिस्ट्री का, कैसे इंटीमेट रिलेशनशिप है विद द मेडिसिन. फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट में अगर एबनॉर्मिलिटी आई है, उसकी डाइजेशन में, एब्जॉर्प्शन में, ठीक है, फर्दर मेटाबोलिज्म में, आप आगे मेटाबोलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में, तो चेंजेस आएंगी. तो वो आप साथ साथ आप ना क्लिनिकल कोरिलेशन भी पढ़ेंगे. इसमें जस्ट वन डिजीज का लिंक बताया हुआ है. If there is any abnormality in the carbohydrates, that will lead to diabetes mellitus. For example, glucose level is increased. If there is an abnormality in the lipids, then it will lead to atherosclerosis. Atherosclerosis is the accumulation of the lipid deposition in the arteries. That will lead to heart failure further. If there is abnormality in the formation of the specific protein or the abnormal protein, then it will lead to sickle cell anemia. If there is any abnormality in the DNA and the RNA, then it will lead to genetic diseases. You will study further mutations that is related to genetic diseases. How to study biochemistry, ये भी मैंने आपको बता दिया. Understand the use of nomenclature, then second step, read the chapter. Make short notes, work on the flow charts and graphs, and do practice, review again and again. Practice तो बहुत must है, ठीक है, revision आप करेंगे तो ही आप उस चीज पे आपको grip आएगी. और further जब आप question, नहीं बता, बहुत सारे questions होते हैं exam में, जब question सामने आएगा आपका concept clear होगा तो आप different questions के properly answer कर सकोगे, ठीक है. आप मेरे साथ जो चैप्टर कवर करेंगे वो है वाटर, पीएच एंड एसिड बेस बैलेंस. लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स, कॉम्पोजिशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ द वाटर, स्ट्रक्चर ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स,
कोई प्रॉब्लम? वाटर इंटरेक्शन इन एक्वासिस्टम दैट स्टेबिलाइज द बायोमोलिक्यूल्स, वाटर मूवमेंट एंड बैलेंस, मैकेनिज्म इन्वॉल्व्ड इन द फ्लूइड मूवमेंट एंड बैलेंस, ये हम कल करेंगे. रेगुलेशन ऑफ वाटर इनटेक एंड आउटपुट एंड द क्लिनिकल कोरिलेशन. लेट्स स्टार्ट विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड. यंग एडल्ट मेल हैज 60% ऑफ द टोटल बॉडी वाटर. ठीक है, ये हमने यंग एडल्ट मेल जो है ये अज्यूम किया है कि 70 kg वेट है इसका. ठीक है, और टोटल बॉडी वेट का 60% जो है वो टोटल बॉडी वाटर है. फॉर एग्जाम्पल, अगर 100 kg मेल है तो उसका बॉडी वाटर, टोटल बॉडी वाटर कितना होगा? वेरी गुड. और अगर 65 kg मेल है तो कितना होगा बॉडी वाटर, टोटल बॉडी वाटर इन केजीज? अराउंड 40 आप कह लें. यंग एडल्ट फीमेल हैज 50% ऑफ द टोटल, 50% ऑफ द टोटल बॉडी वाटर. ठीक है, 50 ये कम क्यों है फीमेल में? वेरी गुड. हाँ, इसमें फैट टिश्यू जो होता है वो फीमेल में ज्यादा होता है, इस वजह से. तो क्यों? फैट की कैपेसिटी जो है ना, वाटर कंटेंट की, वाटर कैपेसिटी जो है फैट में वो कम होती है. इट इज अबाउट 10% एज कम्पेयर टू दी मस्कुलर टिश्यू, मसल टिश्यू जो होता है. मसल टिश्यू में अबाउट 75% है कैपेसिटी टू टेक अप दी वाटर. सो यंग एडल्ट मेल हैज टोटल बॉडी वाटर कंटेंट अबाउट 60% ऑफ द बॉडी वेट एंड फीमेल हैज 50% ऑफ द बॉडी वेट. इन न्यू बॉर्न इन्फेंट्स 80% टोटल बॉडी प्रपोर्शन इज हाई एज 80%. इसमें क्यों है? इन्फेंट्स का ना टोटल बॉडी सरफेस एरिया जो है एज कम्पेयर टू द एडल्ट वो ज्यादा होता है. बॉडी सरफेस एरिया का एक फॉर्मूला है, वो अगर आप अप्लाई करें तो इन्फेंट्स का जो है स्टार्ट में टोटल बॉडी सरफेस जो है वो ज्यादा होता है, और उनमें वाटर जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वाटर वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द इंट्रा सेलुलर. लेकिन जैसे ही फर्स्ट वीक सेकेंड वीक गुजरते हैं इन्फेंट के बर्थ के फर्स्ट वीक एंड सेकेंड वीक, तो वाटर जो है थोड़ा लूज होता है 5-10%. इंट्रा सेलुलर वाटर इंक्रीज करता है, फिर उसमें मेंटेन होता रहता है अबाउट फर्स्ट 6 months ऑफ लाइफ. ठीक है, ये परसेंटेज आपको याद होनी चाहिए, एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं. अब ये डिस्ट्रीब्यूशन है. बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट ऑफ अ 70 kg एडल्ट मैन. टोटल बॉडी वाटर इज 42 liters. इट इज फर्दर सब डिवाइडेड इंटू इंट्रा सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर. इंट्रा सेलुलर टर्म्स तो आपको पता होगी, ये टर्म्स इंट्रा सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर. एनी वन आप बताएं जी. ठीक है, एंड द आउट ऑफ 42 liters 28 liters इज इंट्रा सेलुलर एंड 14 liters इज एक्स्ट्रा सेलुलर. एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट, फ्लूड कंपार्टमेंट इज फर्दर सब डिवाइडेड इंटू इंट्रावस्कुलर फ्लूड एंड एक्स्ट्रावस्कुलर फ्लूड. एंड द वॉल्यूम इज 3 liters ऑफ ब्लड और प्लाज्मा एंड 11 liters इज आउट ऑफ दिस 14 liters 11 liters इज एक्स्ट्रावस्कुलर फ्लूड. दैट इज आउटसाइड द वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज. एंड इंट्रावस्कुलर दैट इज इनसाइड द वस्कुलर कंपार्टमेंट, दैट वेन्स, आर्टरीज. Extravascular fluid out of 11 liters is divided into interstitial fluid and transcellular fluid. Interstitial fluid, that in between the cells, very good. That is 10.5 liters. And transcellular fluid volume is 0.5 liters. Transcellular fluid include the fluid inside the chambers, the cavities, that around the heart, for example, pericardial cavities, इसमें आ जाती हैं peritoneal cavities और synovial fluid. ये सारा जो है इनमें आ जाता है. GIT fluid, lumen, GIT lumen में जो fluid होगा, तो it's around about 0.5 liter. ये सबसे कम होता है. ठीक है, इसमें सारी lymph is also included in this.
मेजर बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट एंड द मेम्ब्रेन्स दैट सेपरेट दिस कंपार्टमेंट. फर्स्ट सी दिस मेम्ब्रेन्स. सेल मेम्ब्रेन सेपरेट दी दैट इज सराउंडिंग दी सेल्स. सेल मेम्ब्रेन सेपरेट दी इंट्रासेलुलर फ्लूइड फ्रॉम दी इंटरस्टिशियल फ्लूइड. दैट इन इंटरस्टिशियल फ्लूइड इज प्रेजेंट इन बिटवीन द सेल्स. एंड द कैपिलरी मेम्ब्रेन सेपरेट द इंटरस्टिशियल फ्लूइड फ्रॉम द वस्कुलर फ्लूइड दैट इज प्लाज्मा ब्लड. इसमें भी ये डिस्ट्रीब्यूशन ही बताई हुई है कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड में 28 लीटर आ रहा है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में 11 लीटर है और प्लाज्मा में 3 लीटर. ये डिस्ट्रीब्यूशन ही बताई गई है. ये लिम्फैटिक्स है. लिम्फैटिक्स जो है फर्दर वो ड्रेन आउट कर देते हैं फ्लूइड इन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड. इनटेक एंड आउटपुट जो होता है वाटर का वो इक्वल होता है. सो बॉडी फ्लूइड आर प्रिसाइसली रेगुलेटेड. डिटर्मिनेशन ऑफ द वॉल्यूम और द बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट्स कैसे हम मेजर करते हैं, ये टॉपिक जो है ये मुश्ताक में अवेलेबल है, आप उसमें से आप देख लेना. ठीक है, इसमें है कि इंट्रावस्कुलर इंजेक्शन जो है आईवी इंजेक्शंस दिए जाते हैं ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस, उनकी नोन अमाउंट्स होती हैं. ठीक है, और ये जो सब्सटेंसेस हैं ये डाइल्यूट होते हैं स्पेसिफिक, हमने जो मतलब फ्लूइड हमने मेजर करना है, जिस फ्लूइड वॉल्यूम हमने, जो भी फ्लूइड वॉल्यूम हमने मेजर करना है, जिस कंपार्टमेंट का फ्लूइड वॉल्यूम हमने मेजर करना है, उसके सेपरेट सेपरेट सब्सटेंसेस हैं. ठीक है, स्पेसिफिक जो हम इंजेक्ट करेंगे फ्लूइड में वो उसी फ्लूइड में जाके डाइल्यूट होगा और फिर हम फर्दर मेजर करेंगे. ये इसका मतलब वो मेथड है. डिटर्मिनेशन इंक्लूड द आईवी इंजेक्शन ऑफ नोन अमाउंट्स ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस, फाइंड आउट द डिग्री ऑफ डाइल्यूशन. सॉरी, फाइंड आउट द डिग्री ऑफ डाइल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस इन रिस्पेक्टिव बॉडी फ्लूइड. These substances must follow the conditions that it must be, these substances must be non-toxic, mix evenly in the specific body fluid, correctly and easily measurable and not undergo any chemical change. और अगर chemical change कोई होता है तो वो हमने measure करना है. ऐसा ही substance हमने लेना है जिसका अगर chemical change अंदर हो जाए तो वो हम measure कर सकें. Total blood volume and total plasma. जब हमने टोटल ब्लड वॉल्यूम और टोटल प्लाज्मा हमने मेजर करना है तो डाई जो यूज होता है वो इवेंस ब्लू है. ये एमसीक्यूज में आ सकता है, इतना घबराने वाली बात नहीं है, सिंपल ही टॉपिक है. ये एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं आप कि टोटल ब्लड वॉल्यूम की डिटर्मिनेशन और प्लाज्मा के हमने मेजर करना है तो कौन सा डाई यूज करेंगे, इवेंस ब्लू और रेडियो आयोडिनेटेड सीरम एल्ब्यूमिन. ये फॉर्मूला है, टोटल ब्लड वॉल्यूम इज इक्वल टू टोटल प्लाज्मा वॉल्यूम प्लस पैक सेल वॉल्यूम. पैक सेल वॉल्यूम क्या है, व्हाट इज हीमेटोक्रिट. ब्लड के कंपोनेंट्स क्या हैं, दो एंड रेड ब्लड सेल्स. वेरी गुड, हिमेटोक्रिट इज द रेड ब्लड सेल्स. ठीक है, और ये क्या है, प्लाज्मा. जब इन दोनों को मेजर करेंगे तो टोटल ब्लड वॉल्यूम, उन्होंने कहा टोटल प्लाज्मा वॉल्यूम एंड दिस इज द पैक्ड सेल वॉल्यूम हिमेटोक्रिट. एरिथ्रोसाइट स्टार्ट विद द रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ द आयरन क्रोमियम फॉस्फोरस. ठीक है, ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप हैं, अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं. ये मैयर करता है, ये जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं ये मैयर करेंगे पैक सेल वॉल्यूम. सिमिलरली एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड अगर हमने मैयर करनी है, इसके वॉल्यूम हमने मैयर करना है, तो सब्सटेंसेस यूज हो रहे हैं मैनिटोल, सुक्रोज, रेडियो सल्फेट, रेडियो सोडियम, रेडियो क्लोराइड एंड रेडियो ब्रोमाइड. रेडियो ब्रोमाइड जो है वो सबसे एक्यूरेट है. एंड इनुलिन, इनुलिन इज द पॉलीमर पॉलीसेकेराइड. एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जी जी, इनुलिन जो है ये पॉलीमर है, पॉलीसेकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट्स का ना पॉलीमर है. ये मतलब ये यूज करेंगे ना हम, जैसे हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज कर रहे हैं ना, तो इनुलिन भी हम यूज कर सकते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम. ठीक है, टोटल ब्लड वॉल्यूम, सॉरी टोटल बॉडी वाटर, टोटल बॉडी वाटर के लिए जो हम यूज करें हैं
जो तुम्हें नजर भी नहीं आ रही। एंटीपायरीन है, एंटीपायरीन, यूरिया, ड्यूट्रियम ऑक्साइड एंड ट्राइट्रियम ऑक्साइड। ये ड्यूट्रियम ऑक्साइड और ट्राइट्रियम ऑक्साइड दीज आर दी मोस्ट करेक्ट वन, और इट कैन मेजर दी एक्यूरेट वॉल्यूम ऑफ द टोटल बॉडी वाटर। इंट्रासेलुलर वाटर जो है ये हम इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, टोटल बॉडी वाटर्स में से एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा इंट्रासेलुलर वाटर। सिमिलरली इंटरस्टीशियल वाटर जो है ये भी हम इनडायरेक्टली मेजर करेंगे, जब हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर आ जाता है तो उसमें से हम माइनस कर देंगे प्लाज्मा वॉल्यूम। लगता है आप डिस्ट्रीब्यूशन भूल गए, दो डायग्राम्स थे, ये देखें आप डायग्राम, ठीक है। टोटल बॉडी वाटर डिवाइडेड इनटू इंट्रासेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर फर्दर इंट्रावास्कुलर, जिसमें प्लाज्मा आ जाता है, प्लाज्मा और हेमेटोक्रिट, एंड एक्स्ट्रावास्कुलर, एक्स्ट्रावास्कुलर में इंटरस्टीशियल एंड ट्रांससेलुलर। यही हमने फ्लूइड्स मेजर किए हैं जो मैंने सब्सटेंसेस बताया आपको। नेक्स्ट इज बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। आपको प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर पता होनी चाहिए, ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है। वाटर इज द प्रीडोमिनेंट केमिकल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज एन आइडियल बायोलॉजिकल सॉल्वेंट, ठीक है। बायोलॉजिकल सॉल्वेंट क्यों है, क्या रीजन है इसकी, क्यों ज्यादा मतलब ये इसे आइडियल यूनिवर्सल बायोलॉजिकल सॉल्वेंट क्यों कहा जाता है। वाटर मतलब हर तरह के कंपाउंड्स को ये डिसॉल्व करता है, ऑर्गेनिक पॉलर हो, ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक, तो इसमें कैपेसिटी होती है डिसॉल्व करने की। और ये प्रॉपर्टी क्यों, किस वजह से, बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इट्स अ पोलर, बिकॉज ऑफ द पोलैरिटी, इट हैज पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इट इज अ पोलर बायोमोलिक्यूल, इट डिसॉल्व एंड ट्रांसपोर्ट द कंपाउंड्स इन द ब्लड। It provides medium for the movement of the molecules into and throughout the cellular compartment. It separates the charged molecules and dissipate heat and participate in the biochemical reaction. Due to its polarity, okay, due to its high polarity, it has a high dielectric constant. It has high heat of vaporization. It resists the temperature change. मतलब इस जैसे हम लेते हैं ना कि इट हैज़ हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। फॉर एग्जांपल ये वाटर की प्रॉपर्टीज है ना सारी, फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट जो है वो समर चल रहा है, ठीक है, समर सीजन में अगर टेम्परेचर जितना भी ज़्यादा होगा ना एनवायरनमेंट में, हमारी बॉडी में कैपेसिटी अगर मतलब वाटर है, ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस ही मैं बता रही हूँ ना कि क्या इंपॉर्टेंस है, ये टेम्परेचर को रिजिस्ट करता है। बाहर जितना भी ज़्यादा टेम्परेचर होगा, हमारी अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम बनाया हुआ है कि वाटर जो है हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने नहीं देगा, ठीक है, और बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी बॉडी टेम्परेचर को रेज करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर इसे वन डिग्री टेम्परेचर रेज करना है बॉडी ने, तो उसको काफ़ी एनर्जी चाहिए होगी, इसलिए इसकी हाई स्पेसिफिक हीट है। सिमिलरली इट हैज़ हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होगा हमें स्वेटिंग होगी, वाटर जो है वो हमारी बॉडी से वेपोरेट करेगा ड्यू टू दी हाई टेम्परेचर इन द एनवायरमेंट एंड आर इंडिविजुअल बॉडी हीट की वजह से वेपोराइज करेगा, जब वो वेपोरेट करेगा तो हमें कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। तो ये यही प्रॉपर्टीज हैं, ये एक्सप्लेन करती हैं इसको। इट रिजिस्ट टेम्परेचर चेंज, सेकेंड सॉल्वेंट, वो मैंने सॉल्वेंट प्रॉपर्टी ही बता दी है, ड्यू टू दी पोलर, ड्यू टू इट्स हाई पोलैरिटी, और इट हैज हाई विस्कोसिटी एंड हाई सरफेस टेंशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। आपको वाटर की प्रॉपर्टी पता है, कोहेसिव एडहेसिव, ये आपने एसएससी में पढ़ी होगी। कोहेसिव प्रॉपर्टी क्या है, ये वो कोहेसिव प्रॉपर्टी भी बहुत ज्यादा होती है वाटर की।
वेरी गुड, जिसकी वजह से वाटर जो है वो स्फेरिकल इन शेप, वो जो ड्रॉप ऑफ वाटर जो होता है उसकी स्फेरिकल इन शेप होती है, मतलब आपस में इनकी इतनी अच्छी कोहेजन होती है वाटर मॉलिक्यूल की, ठीक है, और ये कोहेजन की वजह से इसकी सरफेस टेंशन ज्यादा होगी। सरफेस टेंशन क्या है, ये सारे एफएससी की क्वेश्चन है जी। वाटर की सरफेस टेंशन क्यों ज्यादा होती है, हम क्यों कहते हैं सरफेस टेंशन इसकी ज्यादा है? हाँ, लेयर, वेरी गुड, लेयर बनती है वाटर के ऊपर। आपने देखा होगा ये, आप कह लें ये चैनल्स जो होते हैं नेशनल ज्योग्राफिक चैनल, उसमें देखा होगा आपने, कभी व्यू किया होगा कैसे वो जो इंसेक्ट्स जो हैं वो मूव कर लेते हैं वाटर सरफेस पे। ये सरफेस टेंशन की वजह से होती है, एक लेयर प्रोड्यूस होती है वाटर के ऊपर इसकी हाई सरफेस टेंशन की वजह से, तो इससे इंसेक्ट्स जो हैं वो अपर लेयर पे वो मूव कर सकते हैं। सेकेंड, इट हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, इसका हाई बॉइलिंग पॉइंट है, हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है कोई कि ये कन्वर्ट कर सके फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस स्टेट। वाटर इज सेड टू बी डाइपोलर मॉलिक्यूल। डाइपोलर कैसे? डस्टर है, एक्सक्यूज मी, डस्टर, अच्छा ये सॉरी, वो कह रहे नजर नहीं आ रहा लाइट, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है, इसमें ना टू लॉन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बता रही है। ऑक्सीजन में टू लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करेगा। अब ये वाटर की ये बेंड शेप बन रही है ऐसे करके, ये क्यों है? वेरी गुड, ये जो रिपल्शन हो रही है ना ये बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, देन दी बॉन्डिंग, जिसकी वजह से ये जो है ये बेंड शेप में कन्वर्ट कर देता है, मतलब इसको बहुत ज्यादा बेंड कर देता है इन दोनों को, जिसकी वजह से ये कौन सा एंगल बन रहा है 104.5, इसे हम टेट्राहेड्रल कहते हैं, लेकिन एक्यूरेटली जो टेट्राहेड्रल की वैल्यू है वो है 109.5, ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए एंगल कैसे बन रहा है इसका। इसका पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। हाइड्रोजन इज, ये प्रोटॉन डोनर है कि प्रोटॉन एक्सेप्टर है? हाइड्रोजन इज प्रोटॉन डोनर, ठीक है, ये प्रोटॉन, ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज है ना, तो ये प्रोटॉन एक्सेप्टर हुआ ना, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, दैट्स व्हाई इट हैज पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसी वजह से हम वाटर को पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। और इसकी पोलैरिटी ज्यादा होने की वजह से ही ये इसकी सॉल्वेंट जो है, इसे हम बायोलॉजिकल सॉल्वेंट कहते हैं, ठीक है, इसकी सॉल्युबिलिटी जो है दूसरे सब्सटेंसेस को सॉल्युबल करने की बहुत ज्यादा है, ड्यू टू इट्स हाई पोलर एंड हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी यही चीज है, हाँ जी, डिपेंड करती है, जितना ज्यादा क्या कहते हैं, अगर एंगल जो है वो 180 है, मतलब लीनियर है, तो वो ज्यादा स्ट्रांग है एज कंपेयर टू द ओब्लीक, और लेस देन 180। लीनियर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो स्ट्रांग बॉन्ड बनाते हैं, स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्ड, वो मैं आगे आपको बताती हूँ।
नहीं, बस सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, जैसे ही बेंड होगा तो उसका सरफेस एरिया भी कम हो जाएगा, जो लीनियर होते हैं उसका ज्यादा वो सरफेस एरिया लेते हैं। इट हैज हाई डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, इट्स स्ट्रॉन्ग डाइपोल एंड हाई डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट एनेबल द वॉटर टू डिजॉल्व लार्ज क्वांटिटीज ऑफ चार्ज कंपाउंड सच एज सॉल्ट। Dielectric constant for water is 78.5 at 25 degrees. Water has cohesive and adhesive properties due to its cohesion. It has high surface tension. बता चुके हैं आपको. Water is an excellent nucleophile whose two lone pair of the electrons has a partial negative charge and donate a pair of the electrons to the electrophile that is electron loving and form a new bond. Metabolic reactions often involve the attack by the lone pair of the electrons residing on the electron-rich molecule. या पढ़ लेना, most compounds in the body, ये सारे lectures जो हैं ये online available हैं, जो class है biochemistry की. Most compounds in the body, including proteins, nucleic acids, with an aqueous medium in order to function. अभी तक चीजें समझ आ रही हैं आपको? रीजन, हर चीज के पीछे रीजन समझ आना चाहिए आपको. आप बताएं ये रेड शर्ट में, टेल मी अप्रोक्सीमेटली द वॉल्यूम ऑफ द प्लाज्मा, अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ द प्लाज्मा. यस, वॉल्यूम ऑफ द प्लाज्मा कितने लीटर है, लीटर में बताएं. आप बैठ जाएं, नेक्स्ट ईयर आप, आपसे पूछ रही थी मैं. इन ब्लैक मास्क, आपने मैरून शर्ट नहीं पहनी हुई, आप जो पीछे देख रहे हैं जी. आप बैठ जाएं, बताएं वॉल्यूम ऑफ द प्लाज्मा इन लीटर. लेक्चर पे ध्यान दें आप, ये सिंपल सा मैंने क्वेश्चन पूछा. बैठ जाएं, फ्लूइड कंपार्टमेंट्स इन द बॉडी एंड कंपोजिशन. इलेक्ट्रोलाइट्स, मोस्ट सॉल्यूट इन द बॉडी आर इलेक्ट्रोलाइट्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच डिसोसिएट इनटू आयंस एंड इन सॉल्यूशन. इलेक्ट्रोलाइट्स में कैटाइन्स हैं, कैटाइन्स का चार्ज क्या होता है? एंड द एनाइन्स है नेगेटिव चार्ज. मेजर कैटाइन्स इन दी बॉडी कंपार्टमेंट्स और द फ्लूइड कंपार्टमेंट्स आर सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम. मेजर कैटाइन ऑफ सॉरी मेजर एनाइन्स आर क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट एंड सल्फेट. एक्स्ट्रा सेलुलर में कैटाइन्स कौन से हैं? बाइकार्बोनेट, सोडियम, ये सबसे ज्यादा होते हैं, हाइन सोडियम एंड बाइकार्बोनेट. ब्लड प्लाज्मा हैज मोर प्रोटीन देन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड द लंग. इंट्रासेलुलर फ्लूइड में कौन सा कैटाइन होता है जो ज्यादा होता है? पोटेशियम. एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में सोडियम है, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, और इंट्रासेलुलर में पोटेशियम है. और सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में होती है? इंट्रासेलुलर में, ठीक है. प्लाज्मा में भी प्रोटीन है, ठीक है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड लिम्फ में भी है, लेकिन सबसे ज्यादा किस में है? इंट्रासेलुलर फ्लूइड में. The non-electrolytes or the organic compounds are glucose, urea, protein, lipids, creatinine and nucleic acid. ये सब आपने पढ़ लिया. Structure of the water molecule. ये oxygen है जिसके two lone pairs of electrons हैं, ठीक है, ये bond बना रहे हैं with hydrogen. This is the structure of water molecule. Or this one is the hydrogen bond. That the oxygen atom of one water molecule
with the hydrogen atom of another water molecule. Water molecule में covalent bond भी बन रहा है, same water molecule में, ठीक है, same water molecule में oxygen और hydrogen के दरमियान ये covalent bond है. Covalent bond जो है ये stronger है than the hydrogen bond, ठीक है, ये stable भी होता है as compared to the hydrogen bond. और angle कौन सा है वाटर मॉलिक्यूल में, एंगल का क्या बन रहा है 104.5. स्ट्रक्चर ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल हैज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री विद ऑक्सीजन एट इट सेंटर, टू हाइड्रोजन एंड अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई द कॉर्नर्स ऑफ टेट्राहेड्रॉन. मैंने एंगल भी बता दिया आपको, द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम इन वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन्स अवे फ्रॉम द हाइड्रोजन न्यूक्लियाई लिविंग देम विद द पार्शियल पॉजिटिव. ऑक्सीजन में ज्यादा कैपेसिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन में पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ये रीजन है, ठीक है. ऑक्सीजन में ज्यादा एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की. वाटर इज सेड टू बी डाइपोलर बिकॉज इट हैज पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल एज अ रिजल्ट ऑफ द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. व्हाट इज डाइइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, डाइइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ अ सॉल्वेंट इज अ मेजर ऑफ इट्स पोलैरिटी. मैंने आपको बताया जो मॉलिक्यूल ज्यादा पोलर होगा उसका डाइइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ज्यादा होगा, ठीक है, और इसकी वैल्यू जो है वो वाटर की 78.5 है, इसीलिए इसमें एबिलिटी है. वाटर स्ट्रॉन्ग डाइपोल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट हाई डाइइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट. इट्स स्ट्रॉन्ग डाइपोल एंड हाई डाइइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट एनेबल द वाटर टू डिजॉल्व लार्ज क्वांटिटीज ऑफ चार्ज कंपाउंड्स. वाटर इंटरेक्शन इन द एक्वस सिस्टम, कौन से बॉन्ड बनते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन कोवेलेंट बॉन्ड, डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स के साथ, ऑर्गेनिक के साथ, इनऑर्गेनिक के साथ, कंपाउंड्स हैविंग फंक्शनल ग्रुप्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स, सबके साथ ये बनाता है वाटर एंड कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट एंड नॉन कोवेलेंट बॉन्ड. वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. और खुद इसमें कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है और कोवेलेंट बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड विद अदर मॉलिक्यूल्स को बनाएगा विद अदर. इन द थर्ड लाइन लास्ट वन बॉय जी आप बताएं आप, हाँ जी लास्ट वन, सॉल्वेंट प्रॉपर्टी ऑफ द वाटर इज ड्यू टू, खड़े हो जाओ, एनीवन, सॉल्वेंट प्रॉपर्टी ऑफ द वाटर इज ड्यू टू हाई पोलैरिटी एंड हाई डाइइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट. बैठ जाए आप. Now non-covalent bonds. Non-covalent bonds continually forms and breaks. ठीक है, ये unstable होते हैं as compared to covalent bond. Four types of the non-covalent interactions are hydrogen bond, ionic and electrostatic interaction, and hydrophobic interaction and van der Waal interaction. This diagram shows the hydrogen bond between the two water molecule. This is one water molecule, another one, the dashed line indicates the hydrogen bonding between the oxygen atom of the upper water molecule and the hydrogen atom of the lower water molecule. And in this
3D lattice structure. One water molecule is bounded to four another water molecules. This one is the hydrogen bond 1, 2, and 3, and this one is the 4. Four hydrogen bonds. Hydrogen is the hydrogen bond donor, and oxygen is the hydrogen bond acceptor. सेकेंड डायग्राम जो है वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही शो कर रही है. बिटवीन द पोलर ग्रुप्स, बिटवीन द टू एथेनॉल ग्रुप्स, हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द टू एथेनॉल ग्रुप्स एंड द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द टू पेप्टाइड or the amino acids. Hydrogen bond. The partially positive charge hydrogen atom of one molecule water can interact with the partially negative charge oxygen atom of another molecule of water. Hydrogen bonding gives water its unusual properties. Unusual properties mein kaun si aa jati hain? Very good. ठीक है. दिस बॉन्डिंग इज वीक एंड ट्रांसियंट एंड द हाफ लाइफ ऑफ अबाउट फ्यू पिको सेकेंड. ठीक है, इसीलिए ये कंटिन्यूस जो है वो मैंने आपको बताया ना, नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन है, वो कंटिन्यूसली वो बनती भी हैं और ब्रेक भी होती हैं, इसलिए इनकी हाफ लाइफ जो है वो कम होती है. Rupture of the hydrogen bond in liquid water requires only 4.5 kilocalories per mole. ठीक है, इसी वजह से ये जो है ये वीक बॉन्ड है. कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी एज कम्पेयर टू दिस 4.5 kilocalories. इट्स अकाउंट्स अबाउट लेस देन 5% ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रपच्चर अ कोवेलेंट बॉन्ड. इतनी कम होती है एनर्जी, इसलिए ये वीकर बॉन्ड है एज कम्पेयर टू द कोवेलेंट बॉन्ड. इट हाइड्रोजन बॉन्ड एनेबल्स द वाटर टू डिजॉल्व मैनी ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स एंड डैट कंटेन फंक्शनल ग्रुप्स विच फॉर एग्जाम्पल एल्डिहाइड कीटोन्स विच कैन पार्टिसिपेट इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग. कंटिन्यूसली डिसोसिएट एंड रीफॉर्म परमिटिंग सोल्यूट्स टू मूव थ्रू वाटर एंड वाटर टू पास थ्रू चैनल्स इन सेल मेम्ब्रेन. वाटर रिस्पॉन्ड टू द इनपुट ऑफ हीट एंड टू कूलिंग इफेक्ट. वो मैं आगे बताती हूँ आपको. दिस डायग्राम शोज द हाइड्रोजन और प्रोटोन होपिंग. इसमें यही बताया हुआ, मैंने आपको बताया ना कि लिक्विड वाटर में जो है वो कंटिन्यूस हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वो कंटिन्यूस बन रही होती है, ब्रेक हो रही होती है. ये इस डायग्राम में ना ये लॉन्ग डिस्टेंस पे बताया हुआ है कि वाटर मॉलिक्यूल्स है कैसे प्रोटोन जो है वो ट्रांसफर होता जाता है. और ये प्रोटोन होपिंग ये है कि प्रोटोन ट्रांसफर हो रहा है. ऑक्सीजन मैंने बताया ना, ऑक्सीजन एक्सेप्टर है, हाइड्रोजन जो है वो डोनर है. तो वाटर अब एक वाटर लिक्विड वाटर है तो उस वो किस तरह मतलब वो आपस में रहता है, कोहेसिव रहता है, कोई तो अंदर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है ना. प्रोटॉन जो है वो ट्रांसफर होते हैं, ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर रहा होता है तो ये ट्रांसफर होता है. हाइड्रोनियम आयन फॉर्म होता है H3O. इसके अलावा और भी मल्टीमर्स हैं इसके, H7, वो आप आगे आप देखेंगे तो वो बनते जाते हैं. तो वाटर एक्सेप्ट प्रोटॉन एंड बिकम्स अ हाइड्रोनियम आयन, इसे हम प्रोटॉन होपिंग कहते हैं. Hydrogen ion formed in the water are immediately hydrated to hydronium ion. A series of proton hops between the hydrogen bonded water molecule causes the net movement of the proton over a long distance in a short time. This diagram also shows the hydrogen bond, this dotted line between the water molecule. And this shows the direction direction of the hydrogen bond. Linear or linear hydrogen bond are more stronger than the oblique one. Or if the angle if the water bonding hydrogen bonding angle is 180, then it is a strong hydrogen bond. And if it is less than 180, then it is a weak. This diagram shows the hydrogen bond between water and the polar molecules.
water and the polar molecules. This diagram shows the hydrogen shell surrounding the anions and anions and cations. जब हम सोडियम क्लोराइड को, हाँ जी, जब हम सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है ना, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, सॉलिड फॉर्म है, जब हम वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड में, सॉरी, वाटर में एबिलिटी होती है. बताया ना कि इसका ये हाई पोलर है, इसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है, ये कैसे चेंज करेगा? सोडियम और क्लोराइड के दरमियान के सराउंडिंग शेल्स बना लेगा और ये आपस में फिर इंटरेक्ट नहीं कर सकेंगे. इतनी इसमें कैपेसिटी होती है कि ये जो ये तो है आयंस ही ना, आपस में जब ये बनते हैं, सोडियम और क्लोराइड जब आपस में होता है तो कौन सा बॉन्ड बनाता है? आयनिक बॉन्ड, जो कि स्ट्रांग बॉन्ड है. लेकिन जब इसे वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वाटर उन दोनों को दोबारा कंबाइन होने ही नहीं देता. इतना मतलब वो इसमें एबिलिटी होती है कि ये शेल्स बना देता है जिसकी वजह से ये आपस में फिर कंबाइन नहीं कर सकते. हाइड्रेशन शेल्स सराउंडिंग द एनायंस एंड कैटायंस. हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन आइस. लिक्विड वाटर में एबिलिटी होती है कि एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो फोर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ बाउंड करता है. ठीक है, जब जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, फॉर एग्जाम्पल 0 डिग्री सेल्सियस और बिलो जीरो, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा आइस में. अब आइस में जब जैसे ही ये कन्वर्ट होता है लिक्विड फॉर्म, थ्री डायमेंशनल लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ आइस में जब ये कन्वर्ट होता है तो ये एक वाटर जो है वो एक्सपैंड करता है. ठीक है, ये एक्सपेंशन ही दिखाई हुई है. जब वाटर एक्सपैंड करता है तो ये लेस डेंस होता है देन दी लिक्विड वाटर. ठीक है, इसकी डेंसिटी कम हो जाती है. आपने देखा होगा कि जहां टेम्परेचर बहुत कम होता है जिन कंट्रीज में, तो वो जो लेक्स होते हैं तो उनके ऊपर एक लेयर बन जाती है. ठीक है, वो एक इंसुलेशन प्रोवाइड करता है जिसके नीचे जो होता है वो टेम्परेचर वो नॉर्मल रहता है, लिक्विड में रहता है. वो जो कूलिंग इफेक्ट है वो ट्रांसफर नहीं हो पाता, वो इंसुलेशन के तौर पर काम करता है. और फिर नीचे एक्वेटिक लाइफ भी है, प्लांट लाइफ भी है, वो फिर कंटिन्यू करती है. यही रीजन है इसकी, इसकी फिर डेंसिटी कम हो जाती है, जिसकी डेंसिटी कम होने की वजह से ये फ्लोट करता है लिक्विड वाटर पे. हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन. अब कुछ हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन क्या है? कुछ बायोमोलिक्यूल्स जो हैं, कुछ बायोमोलिक्यूल्स जो हैं वो वाटर के साथ ना इंटरेक्ट नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल वो लिपिड सॉलेबल होते हैं. ठीक है, आपने एम्फीपैथिक कंपाउंड्स का भी पढ़ा होगा एफएससी में. एम्फीपैथिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? एम्फीपैथिक नहीं पढ़ा हुआ? अच्छा, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस क्या हैं? अब वाटर जो है वो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी बना रहा है. ठीक है, हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ ली, कैसे वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी बना रहा है. कैसे बनाता है? कि बायो मॉलिक्यूल्स, कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वाटर के साथ, जिस तरह आयनिक कैटाइंस और एनाइन से मैंने आपको दिखाया कि वो कैसे वो हाइड्रेशन शेल अराउंड कर देते हैं आयनिक कंपाउंड्स के, तो कुछ कंपाउंड्स जो होते हैं वो वाटर के साथ उस तरह से बॉन्डिंग नहीं कर सकते, तो वो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस बनाते हैं. बायोमोलिक्यूल्स फोल्ड टू पोजिशन पोलर एंड चार्ज ग्रुप्स ऑन देयर सर्फेसिस. अब होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल इन द फॉस्फोलिपिड बायलेयर, जिसमें लिपिड कॉम्पोनेंट होता है ना, कुछ मॉलिक्यूल जो होते हैं वो लिपिड सॉल्युबल होते हैं. फॉर एग्जांपल उनका एक हाइड्रोफिलिक एंड होता है, ठीक है, और एक हाइड्रोफोबिक एंड होता है और एक हाइड्रोफिलिक एंड होता है. जब हम वाटर के साथ इसको मिक्स करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, तो ये करता क्या है कि ये जो हाइड्रोफोबिक एंड है ना, इनकी सिग्निफिकेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है. इन बायोमोलिक्यूल्स की, जिसमें ये हाइड्रोफोबिक एंड जो वाटर इनसॉल्युबल पार्ट होता है उसको इनवर्ड ऑर्गेनाइज कर लेते हैं और इधर फिर वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो अरेंज हो जाते हैं. नजर नहीं आ रहा? चलो मैं आपको डायग्राम से.
ये मार्कर्स में है। जी जी बिल्कुल, सोप्स की एग्जांपल आप ले लें, सोप्स में भी हाइड्रोफोबिक एंड होता है, हाइड्रोफिलिक एंड होता है। सोप जो होता है ना, नॉर्मल जो हम यूज करते हैं, नहीं सारा डिसॉल्व नहीं होता, जो इनवर्ट पार्ट होता है ना वो सिर्फ वो मतलब वो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है सोप के अंदर जो होता है, जो आउटसाइड होता है ना उसका, वो डस्ट पार्टिकल को रिमूव करता है कपड़े से। हाँ वो नॉन पोलर जो होता है वो अंदर होता है, और जो पोलर कंपाउंड होता है ना वो बाहर की तरफ होता है सोप में, जिसकी वजह से वो डस्ट पार्टिकल जो है वो रिमूव करता है, इसलिए कि वो चार्ज होते हैं ना। इन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर वेयर द चार्ज हेड ग्रुप ऑफ फॉस्फेटी डाइल सीरीन और फॉस्फेटी डाइल एथेनॉलमीन कॉन्टैक्ट वाटर वाइल द हाइड्रोफोबिक फैटी एसाइल साइड चेन क्लस्टर टुगेदर एक्सक्लूडिंग वाटर। ये तो आपने पढ़ा होगा सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में, ठीक है। इसमें लिपिड कॉम्पोनेंट जो फैटी ये हाइड्रोफोबिक फैटी एसाइल जो होता है ना वो इनवर्ड होता है, लिपिड बाइलेयर होती है ना, इनवर्ड जो होता है वो हाइड्रोफोबिक फैटी एसाइल साइड चेन होती है, और आउटसाइड जो होती है वो ये हेड ग्रुप होते हैं फैटी फॉस्फेटी डाइल सीरीन और फॉस्फेटी डाइल एथेनॉलमीन की, जो कि वाटर के साथ ये दोनों कॉन्टैक्ट करेंगे और ये नहीं कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है। ये दोनों पार्ट जो है, मोस्ट बायोमोलिक्यूल्स आर एम्फीपैथिक, आ जाएगा समझ आपको इंशाल्लाह। मोस्ट बायोमोलिक्यूल्स आर एम्फीपैथिक, इस एम्फीपैथिक जो होते हैं इनमें भी पोलर और नॉन पोलर ग्रुप्स होते हैं। स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ एम्फीपैथिक कंपाउंड इन द वाटर इज कॉल्ड माइसिल्स, और ये जो जिस तरह के हमने मैंने सोप की एग्जाम्पल दी है तो उसमें जो स्टेबल कंपाउंड बाद में बनता है ना वो माइसल्स होता है, वो मैं आपको डायग्राम में अभी बताती हूँ। वाटर मॉलिक्यूल एडजेसेंट टू दी हाइड्रोफोबिक ग्रुप आर रिस्ट्रिक्टेड इन द नंबर ऑफ द ओरिएंटेशन दैट परमिट देम टू पार्टिसिपेट इन द मैक्सिमम नंबर ऑफ एनर्जेटिकली फेवरेबल हाइड्रोजन बॉन्ड विच मैक्सिमाइज द एंथैल्पी विद एन अकॉम्पनिंग डिक्रीज इन द एंट्रोपी। ये देखिए, ये जो है ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है, ठीक है, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है। जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं ना तो ये ऐसी इनकी अरेंजमेंट होती है कि हाइड्रोफोबिक एंड जो होता है वो अंदर चला जाता है, ठीक है, और हाइड्रोफिलिक जो है वो बाहर रहता है, जिसमें चंद मतलब जो वाटर मॉलिक्यूल हैं वो रीऑर्गेनाइज होते हैं और ये माइसल्स फॉर्मेशन करते हैं, इस तरह का कंपाउंड बनता है इसमें। माइसल स्ट्रक्चर फॉर्म बाय द एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स इन वाटर। ये डायग्राम आपको उधर नजर नहीं आ रही, ना मैं आपको ड्रॉ कर देती हूँ। अच्छा, मैंने जो फर्दर आपको पीछे बताया ना, जब ये माइसल फॉर्मेशन होती है ना तो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, एब्जॉर्ब भी होती है, इस एनर्जी को हम एंथैल्पी कहते हैं, और जो चेंज आ रहा है ना उसको हम एंट्रोपी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आइस जो है वो चेंज होती है लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, आइस मेल्ट होगी लिक्विड फॉर्म में चेंज होगी, या गैशियस फॉर्म में अगर चेंज होती है तो इसमें एंथैल्पी जो है वो एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, और जो सिस्टम आउटसाइड सिस्टम है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, तो एंथैल्पी उसकी, ठीक है, एंथैल्पी उसकी इंक्रीज कर देती है। सिमिलरली डिक्रीज इन द एंट्रोपी, एंट्रोपी क्या, चेंज जो हो रहा है उसमें, जैसा आइस जो है वो कन्वर्ट हो रही है लिक्विड फॉर्म में, तो ये चेंज है, तो चेंज इन द रैंडमनेस इज कॉल्ड एंट्रोपी। या फर्दर एक पूरा चैप्टर है इस पे, एंथैल्पी और एंट्रोपी पे, आप फर्दर उसमें समझोगे फिर क्या है। ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है, वाटर लविंग, ठीक है,
और ये हाइड्रोफोबिक वाला नॉन पोलर सिस्टम होता है, ये इस तरह ऑर्गेनाइजेशन होती है एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल, और इधर आके जो है वाटर मॉलिक्यूल लग रहे हैं, और सारे वाटर मॉलिक्यूल नहीं होंगे, वो ऑर्गेनाइज करेगा और चंद वाटर मॉलिक्यूल के साथ वो बाइंड करेगा, ये हाइड्रोफिलिक रिएक्शन, ये रिएक्शन The non-polar regions of the molecules cluster together to present the smallest hydrophobic area to the aqueous solvent. Okay? Smallest hydrophobic area to the aqueous environment. And polar regions are arranged to maximize their interaction with the solvent. Ye polar regions hai aur ye non-polar regions idhar aayenge. Next is ionic and electrostatic interaction. आयनिक एंड इलेक्ट्रोस्टेटिक इंटरेक्शन मैंने आपको एग्जांपल बताई थी सोडियम क्लोराइड, ठीक है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है फ्रॉम सोडियम टू क्लोराइड, उनमें बॉन्ड बनता है, दैट इज कॉल्ड आयनिक और इलेक्ट्रोस्टेटिक इंटरेक्शन. अ क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर सॉलिड फॉर्म इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, और जैसे ही वाटर में फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व करेगा तो वो गुड कंडक्टर बन जाएगा, इसलिए कि आयन्स जो है वो फ्रीली मूव करना शुरू हो जाएंगे, जबकि जब सॉलिड फॉर्म होती है तो उसमें आयंस जो है वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते, इसकी वजह से ये बैड कंडक्टर है. मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स जो है इन इंटरेक्शंस के ज्यादा होते हैं, जिन कंपाउंड्स में ये इंटरेक्शन प्रेजेंट होंगी इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होंगे. ये नॉन डायरेक्शनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. इसको नॉन डायरेक्शनल क्यों कहा है? ये क्लोजली रिलेटेड होते हैं, जैसे हम सोडियम क्लोराइड की मैंने एग्जांपल दी है ना, आयनिक बॉन्ड्स होते हैं ये फॉर्म्ड होते हैं बिटवीन टू पोलर ग्रुप्स, ठीक है, और ये इतने क्लोज होते हैं कि इनकी डायरेक्शन ही नहीं होती कोई, ये आपस में इतने स्ट्रांग बॉन्ड होते हैं. आयनिक बॉन्ड जो है ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड है, देन दी कूवलेंट, फिर कूवलेंट के बाद हाइड्रोजन बॉन्ड आता है, और लास्ट में वैन डर वाल फोर्सेज आती हैं, वो भी हम पढ़ेंगे. लैटिस स्ट्रक्चर 3D स्ट्रक्चर होता है सॉलिड फॉर्म, जैसे हमने आइस का पढ़ा है ना, इसी तरह ये आयनिक इंटरेक्शन जो है ये सॉलिड फॉर्म में भी प्रेजेंट होती हैं, लिक्विड फॉर्म में भी होती हैं. जब ये सॉलिड में होती हैं तो आयन्स जो होते हैं वो कंबाइन होते हैं एक दूसरे से, जिसकी वजह से वो जो है वो बैड कंडक्टर होता है सॉलिड फॉर्म, और जब ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं आयन्स फ्रीली मोबाइल होते हैं और ये गुड कंडक्टर बन जाता है. आयनिक एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर वेरिएबल इन स्ट्रेंथ. कितना टाइम रह गया? हो गया. अच्छा, आर वेरिएबल इन स्ट्रेंथ डिपेंडिंग अपॉन द पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट एंड द अलाइनमेंट ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डेड एटम. लास्ट ईयर वैन डर वाल फोर्सेज जो है ये सबसे वीक फोर्सेज हैं, ठीक है, इट अराइज फ्रॉम द अट्रैक्शन बिटवीन द, क्या हो गया, कितना टाइम हो गया, चलें कल कर लेंगे कंटिन्यू, कोई इशू नहीं है, दो स्लाइड ही रह गई थी. एक्सक्यूज मी, सिट डाउन, ये दो स्लाइड रह गई, ये खत्म कर लें. वेट, वैन डर वाल फोर्सेज जो है ये सबसे वीक फोर्सेज हैं, ठीक है, वीकर देन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये शॉर्ट डिस्टेंसेज पे होती हैं, रिपल्शन ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ऑफ ईच एटम और मॉलिक्यूल. इसकी फाइव टाइप्स हैं, आयन डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, आयन इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन, इंस्टेंटेनियस डायपोल, ये सब कुछ आप एफएससी में पढ़ चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है आपको आता नहीं है. आता है, इनकी एग्जांपल्स आती है. आयन डायपोल क्या है? ये सबसे स्ट्रांग वैन डर वाल फोर्स है आयन डायपोल बिटवीन आयन्स एंड पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है, कोई भी कैटायन आयनाइन होगा और पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान ये आयन डायपोल इंटरेक्शन है, ये स्ट्रांगेस्ट है. और सबसे वीक जो होती है इंस्टेंटेनियस डायपोल है. इंस्टेंटेनियस डायपोल में क्या होता है कि थोड़ी देर के लिए वो पोलर बनता है, ठीक है, इंटरेक्शन करने के लिए, ठीक है, ये सबसे वीक होता है. बाकी डायपोल डायपोल ये टू पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान होता है. आयन इंड्यूस्ड डायपोल, ये इंड्यूस्ड डायपोल जो होता है वो ही बात है कि डायपोल इंड्यूस्ड होता है, उसमें वो पोलर नहीं होता, लेकिन वक्ती तौर पर ये डायपोल बन जाता है, फिर इनमें इंटरेक्शन होती हैं. डीएनए स्ट्रक्चर, व्हाट इज डीएनए, ठीक है, इसमें यही बताया हुआ है. मेन जो मकसद है डीएनए स्ट्रक्चर बताने का कि इसमें मल्टीपल फोर्सेस जो होती हैं वो स्टेबलाइज करती हैं बायोमोलिक्यूल. मैंने आपको कौन सी मल्टीपल फोर्सेस बताई हैं?
हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक, इलेक्ट्रोस्टेटिक इंटरेक्शन और कोवेलेंट, एंड लास्ट वन वेंडरवॉल। ठीक है, तो यही बॉन्ड्स जो हैं इसमें बताए गए हैं। ये देखें, बेसिक यूनिट क्या है डीएनए का? न्यूक्लियोटाइड में क्या है? ये शुगर पोर्शन है, फॉस्फेट पार्ट है और नाइट्रोजन। ये क्या बना रहे हैं? न्यूक्लियोटाइड फर्स्ट सबसे पहले है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है ये सबसे स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, जो कि टू न्यूक्लियोटाइड्स को और फिर से न्यूक्लियोटाइड को बनाता है। फर्स्ट बॉन्ड हो गया फॉस्फोडाइस्टर। सेकेंड बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है नाइट्रोजनस बेसिस के दरमियान होता है। टू टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस आर प्यूरीन एंड पिरिमिडिन, एंड देन यू हैव थायमिन और प्यूरीन। जवाहरी एंड साइटोसिन का पिरिमिडिन, तो हमेशा प्यूरीन और पिरिमिडिन के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। दैट एडेनिन और थायमिन के दरमियान दो हाइड्रोजन बॉन्ड है, गवर्नीन और साइटोसिन के दरमियान थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड। थर्ड बॉन्ड कौन सा मैंने बताया? थर्ड इंटरेक्शन ये नाइट्रोजनस बेसिस जो है ये नॉन पोलर ग्रुप्स है। ठीक है, तो ये इनवर्ट प्रेजेंट है, इनके दरमियान जो है वेंडरवॉल फोर्सेस होती हैं, या आप कह लें कि इन बिटवीन डीएनए मॉलिक्यूल में ये प्रेजेंट होती हैं, और ये स्टैक प्रोटीन्स और स्टैक पिरामिडीन्स के शेप ये जो है ना ये वेंडरवॉल फोर्सेस की वजह से। डीएनए को डबल हेलिक्स क्यों कहते हैं? एनीवन? टू सिंगल स्ट्रैंड्स हैं और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए इसको डबल हेलिक्स कह रहे हैं। इसमें जो वेंडरवॉल फोर्सेस है वो डाइपोल डाइपोल है। ठीक है, हाइड्रोफोबिक, सॉरी ये जो है ना नाइट, सॉरी बस खत्म हो गया, ये जो नाइट्रोजनस बेसिस है ना ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस भी बनाते हैं। बुक्स का आपको पता होना चाहिए, हार्पर से आप कर सकते हैं, मुश्ताक एंड लिपनकॉट, मैडम ने यही बुक्स बताया। थैंक यू सो मच।